press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ ओप्पो A3s UDA जो मेरे पास वेरिएंट है, ये 32GB 3GB रैम के साथ। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और जैसे ही आप बॉक्स ओपन करोगे, आपको सामने देखने को मिल जाती है ओप्पो की ब्रांडिंग। और इस बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा पीछे की साइड कुछ यूजर मैनुअल्स। और जैसे ही आप बॉक्स ओपन करते हो, आपको मिल जाती है सिम इजेक्टर टूल, अंदर आपको चमचमाता ओप्पो का फ़ोन और पीछे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवर। फ़ोन को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और बॉक्स में आपको कुछ नहीं मिलता। नीचे की साइड आपको मिल जाते हैं क्विक स्टार्ट गाइड, यूज़र मैनुअल्स और कुछ वारंटी पेपर्स। और दोस्तों, इसमें आपको मिलता है एक केस जो आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट करेगा। और अगर बात करूँ आप इसके चार्जर की, तो इसमें आपको मिल जाता है आउटपुट 5V 1A, और ये एक नॉर्मल चार्जर है। पीछे की साइड आपको देखने को मिल जाती है ओप्पो की ब्रांडिंग। और इसके साथ आपको मिलती है माइक्रो USB, वही कितने सालों से चली आ रही है। अगर ये टाइप सी दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन के फिजिकल ओरिजिनल की। राइट साइड आपको मिल जाता है बटन, और नीचे की साइड आपको देखने को मिल जाता है 1 स्पीकर, लाइटनिंग पोर्ट, प्राइमरी माइक और 3.5mm जैक। लेफ्ट साइड आपको देखने मिल जाता है वॉल्यूम अप डाउन, ऊपर साइड आपको देखने को कुछ नहीं मिलता। और दोस्तों, इसमें जो चिपसेट है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 बेस्ड ऑन 14 नैनोमीटर। इसमें जो CPU है वो ऑक्टा कोर 1.8GHz कोर्टेक्स A53। इसमें जो GPU है वो है दोस्तों एड्रेनो का 500 6। इसका जो मेन कैमरा वो है 13 मेगापिक्सल, उसका जो अपर्चर वो 2.2 ऑटो फोकस। और उसका सेकेंडरी कैमरा है 2MP, उसका जो अपर्चर है वो 2.4। वो जो काम आता है वो है डेप्थ सेंसर के लिए। उनके जो फीचर है कुछ वो LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा, और वीडियो शूट करता है वो 1080 पिक्सल एट द रेट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। उसका जो सेल्फी कैमरा वो 8MP, उसका जो अपर्चर है वो है 2.2। तो सर, इसमें आपको मिल जाता है एंड्रॉयड ओरियो 8.1, और ये लेटेस्ट तो नहीं है पर हाँ बढ़िया। और क्विक कैमरा टेस्ट करते हैं दोस्तों। इसमें आपको देखने को मिल जाता है पोर्ट्रेट मोड, और इसमें आपको AI का सपोर्ट भी मिलता है। कुछ सैंपल फोटोज़ मैंने आपको शूट करके दिखाई है, और ये है इसका पोर्ट्रेट मोड, काफ़ी बढ़िया है। इसकी डिटेलिंग ठीक ठाक है, ओके है। और ये एक और फ़ोटो जो मैंने अपने फ़ोन के लिए है, ये भी